जम्मू कश्मीर से धारा 370 तकरीबन 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा हटा दी गई थी। हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि इन 2 सालों में अब तक जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला है। 3 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बाहरी लोगों को प्रदेश छोड़कर जाने के निर्देश जारी कर दिए थे, जिसमें पर्यटक या किसी काम के सिलसिले में वहां पहुंचे लोग शामिल थे। जो छात्र बाहर से जम्मू कश्मीर में पढ़ाई के लिए गए थे, उन्हें भी घर वापस भेज दिया। इस प्रक्रिया के चलते घाटी का पर्यटन प्रभावित हुआ, जिसका असर स्थानीय कारीगर, टैक्सी ड्राइवर और होटल कारोबारियों पर पड़ा। कश्मीर शिल्प को बढ़ावा देने के लिए GI टैगिंग पर काम चल रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन भी प्रमोट किया जा रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां हर पंचायत स्तर पर यूथ क्लब स्थापित करने की योजना है, जहां उन्हें रोजगार से जुड़ा जरूरी मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही आत्मनिर्भर बनने के तरीके भी बताए जाएंगे। 3500 मेगावाट की बिजली परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, जो बिजली के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्शन पर खर्च होगा। इस पर राउंड द क्लॉक काम हो रहा है। इस मेहनता का परिणाम ये मिला कि बर्फबारी के बाद भी घाटी को बिजली आपूर्ति होती रही। 4 साल में इस बड़ी परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बदलाव के बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर की कला को दोबारा जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी, खास तौर से कश्मीर की हस्तकरघा और हस्तशिल्प पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है।